नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, BA और BSc जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स पेपर थर्ड 2023 का दिखाने वाला हूं आपके सामने है। 3 आवर्स का पेपर होगा और 40 नंबर के जो BSc वालों के और 54 नंबर के आर्ट वालों का होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको दिशा निर्देश पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होती है फर्स्ट क्वेश्चन से, और आपके सामने जो है समीकरण दिए हुए हैं, तो इनको आपको सिद्ध करना है, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जूम कर देता हूँ। और उसके बाद बी है वह फलन ज्ञात कीजिए जिसकी प्रथम अंतर जो है आपके सामने दिया है, वह है समीकरण 9x² प्लस 11x+5 है, जो इसको जो है आपको अंतर प्रथम अंतर क्या है। और इसमें देख सकते हो आप बी बी पार्ट जो है सेकंड में फर्स्ट के दो हो गए, अब सेकंड के ए है। इसमें आप देख सकते हो एक द्विघात बहुपद आपके सामने जो है बिंदु दिए गए हैं और इन बिंदुओं से गुजरता है, तो बहुपद आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं तो आपको संख्या चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे। और ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न भी समझ लेना है और क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, इस प्रकार के आते हैं। इसमें बाद में आपको जो है न्यूटन विभाजन अंतर सूत्र द्वारा एफ एट का मान ज्ञात करना है। ये आपको सारणी दे दी और एफ एट का मान याद कीजिए, ठीक है। अब यूनिट जो है सेकंड है, इसमें देख सकते हो क्वेश्चन जो है थर्ड का है, सिद्ध करना है आपको समीकरण दे दिया गया, अंडर रूट 1 प्लस जो है अल्फा स्क्वायर प्लस यूनियन प्लस स्क्वायर बराबर 1+1/2, ठीक है। ये आपको समीकरण देख लेने हैं, ठीक है। बी का आप देख सकते हो जो आपका स्टर्लिंग के सूत्र द्वारा जो है वाई 28 ज्ञात करना है आपको, ठीक है। और फिर देख लीजिए फोर्थ का क्वेश्चन है आपको, सारणी फोर्थ में ए है, सारणी में एफ एफ जो -5 का जो है मान ज्ञात करना है, ये सारणी है। संख्या चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं, ठीक है। बी का आप देख सकते हो क्रॉस त्रिबिंद क्षेत्रलन सूत्र ज्ञात करना है आपको, जो है आपके सामने है जो समीकरण, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। फिर यूनिट जो है आपके सामने थर्ड है, इसमें 5 क्वेश्चन है। परिमेय गुणांक वाले वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका सूत्र है √3 + √-2, तो इसका जो आपको सूत्र ज्ञात करना है। फिर है बी है समीकरण x²-12x-65=0 को क्वाड्रन विधि से हल करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 4 और 5.5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। 6 का आप देख सकते हो पुनरावर्ती विधि द्वारा समीकरण x³+x²-1=0 का एक वास्तविक मूल ज्ञात करना है, ठीक है। नंबर देख सकते हो 4, 5 के। और बी का है विभाजन विधि x² तथा x² के मध्य समीकरण x³-9x+1+1=0 का मूल ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके और रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। यूनिट 4 देख लीजिए 7 का, इसमें आपको जो है ग्रॉस विलयन विधि से हल करना है, यह समीकरण दे दिया आपको 3, और गॉस विलोपन विधि है उससे आपको हल करना है, ठीक है। और बी का देख सकते हो गॉस सिडन पुनरावर्ती विधि से आपको हल करना है। इसी प्रकार एक समीकरण और दिया है, 3 समीकरण आपके सामने। और 8 का क्वेश्चन देख सकते हो, पिन आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा धुंधला है। इसमें देख सकते हो पिन विधि है, पिनकाट विधि का प्रयोग कर x= जो आपके 0,1 बिंदु है, इस पर y का सन्निकट मान प्राप्त कीजिए। दिया हुआ है कि dy/dx=x जो x-y और जो है आपके इधर है y=1 तथा जो जब x=0 हो, ठीक है। और b का आप देख सकते हो यदि लंबाई 0.1 लेते हुए आयलर विधि का प्रयोग कर निम्नलिखित अवकलन समीकरण से y के 0.04 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये समीकरण दिया है dy/dx=xy और y0=1, ठीक है। और यूनिट 5 है आपके सामने, इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि आपके जो है बिंदु 1-1 और 2 पर आपको x³+y³+z³ का संदिग्ध i+2j+k की दिशा में द्विक अवकलज ज्ञात करना है, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने बी का जो क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार है कि सिद्ध करिए
आपके एक दे दिया है आपको समीकरण, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। और 10 का क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपको जो है गिरे हुए बंद आयतन को जो है प्रकट करता हो तो आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये समीकरण दिया हुआ है, आप देख सकते हो, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप हल कर सकते हो, ठीक है। और बी का है समाकलन, आपके सामने दिया हुआ है समाकलन, और जहाँ पर सी रेखा वाई बराबर एक्स तथा परवलन वाई बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिबद्ध किया है, एक बंद क्षेत्र है का मान ज्ञात करके ग्रीन के परिमेय को तल के लिए सत्यापित करना है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए BA सी सेकेंड ईयर आपके मैथमेटिक्स थर्ड का पेपर। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।